Radio Udaan. Flight of life. Musafir, ho yaaro, na ghar hai na thikana, mujhe chalte jana hai, bas chalte jana. Hello everyone, assalamualaikum, namaste, sat sri akal. मैं हूं आरजे आयशा, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और इस वक्त आप सुन रहे हैं मैं सबसे पहले तो आपको इस शो के बारे में बता देती हूं। दरअसल हर हफ्ते सैटरडे की शाम को हम चलेंगे एक खूबसूरत से सफर पर, क्योंकि आप और मैं हूं मुसाफिर। करेंगे हम किसी खास टॉपिक पर बातें। अब ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपसे जुड़ा, मुझसे जुड़ा, जिंदगी या समाज से जुड़ा, या ऐसा कुछ भी। थोड़ी बातों के साथ हम सुनेंगे गाने और कुछ खूबसूरत सी कविताएं मेरी आवाज में। और एक और बात, इन खूबसूरत सी बातों, कविताओं, नज्मों और नगमों में छुपी होंगी कुछ प्यारी सी सीख, जो आपके और आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप खुद भी इस शो को अंत तक सुने और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि रेडियो उड़ान अभी इंस्टॉल करके जुड़ जाए हमसे। तब तक के लिए मैं ट्यून करने जा रही हूँ आज के शो का पहला गाना। ये खूबसूरत सा गाना है फिल्म मक्खी से, के की आवाज में। आप लीजिए इसका मजा, लौटती हूँ बस थोड़ी ही देर में। दिल के इस घर में आके एक लड़की, चुप के ताके एक लड़की, आए 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 एक लड़की, बोले ना क्यों कुछ एक लड़की, फिर भी कभी तो मानेगी। अरे 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 ओ, अरे 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 ओ, वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती है, तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती हैं। अरे 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 ओ, अरे 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 ओ, थोड़ा लगा के सीखे जरा, इतनी कठिन भी ना दिल की ज़बान।
रहती है पर हमें खबरें मिलती है, तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती है। आई होप आपको ये खूबसूरत सा गाना पसंद आया होगा। एंड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, बाहर ना मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो चला है, बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है, हल्की सी बारिश हो रही है, और मुझे अभी अभी एक बेहद ही प्यारा गाना याद आया है एंड आई रियली वॉन्ट कि आप सबके साथ में उसे अभी सुनूं। तो ये गाना है शोभा मुद्गल की आवाज में, आप इसे सुनिए, इसका मजा लीजिए, फिर लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान।
मेरा नाम कृष्णा यादव और मैं श्री कृष्णा पिकल्स के मालिक हूं। मेरे कुछ आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। हेलो गाइस, दिस इज आरजे आयशा विद मुसाफिर हूँ यारो। शहर, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारी आंखों के आगे कई सारे नजारे घूमने लगते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत चमकदार सड़कें, ग्लैमरस लाइफस्टाइल, मॉडर्न वेल डेकोरेटेड कैफेज, रेस्टोरेंट, दौड़ते भागते लोग, गाड़ियां, सजे धजे बाजार और भी ना जाने क्या क्या। हमारा देश मेजर वे में तीन हिस्सों में विभाजित है, शहर, गांव और जंगल। अगर लोगों से बात की जाए, उनका नजरिया समझा जाए, तो ज्यादातर लोग अपने रेसिडेंस के रूप में शहरों की ओर रुख करना चाहते हैं और इसकी भरपूर कोशिश भी करते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बात सही भी है, इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे तो आज के समय में गांव में काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी करियर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल के बेटर स्कोप के रूप में शहरों का रुख करना ही बेहतर होता है। आई नो, इस बात से आप भी एग्री कर रहे होंगे। पता है, करीब 2 साल पहले मैं किसी फैमिली फंक्शन के लिए एक रिलेटिव के घर जा रही थी। उनका घर मेरे शहर से करीब 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर था। एक बहुत ही छोटे से गांव में उनका घर था। कच्ची पक्की सड़कों से होता हुआ यह सफर थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन उतना ही मजेदार भी। इससे पहले तक मैं किसी इतने टिपिकल विलेज में नहीं गई थी, जिस वजह से मुझे अपना शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता था। लेकिन अब जब मैं इस गांव के सफर पर थी, मेरा वो शहर वाला भ्रम टूटने लगा था। मुझे हमेशा ही सफर के दौरान किताब पढ़ने का शौक है और आदतन उस दिन भी मैंने अपनी किताब खोल रखी थी, लेकिन आज नजरें किताब के पन्नों पर नहीं, गाड़ी से बाहर दिखने वाली छोटी छोटी सी चीजों के बीच भटक रही थी। कई बार कोशिश करने पर भी कुछ लाइन्स पढ़ते ही कभी भेड़ों के एक झुंड की तरफ मेरी नजर चली जाती, तो कभी साइकिल के पिछले स्टैंड पर बैठा एक प्यारा सा बच्चा मेरा ध्यान खींच लेता। कभी नजरें सड़क के साथ साथ चल रही लाइट के तारों पर पड़ती, तो कभी सर और कमर पर कई सारे घड़े उठाए पानी लाती कुछ औरतें मेरा ध्यान खींच लेती। इसी बीच किताब के पन्नों पर अचानक से मेरी नजर गई। बड़ा खूबसूरत सा नजारा बाहर दिख रहा था और वैसी ही एक कविता मुझे अपनी किताब में दिखी। भयानक इत्तेफाक था, नहीं, शहरों से जुड़ी कविता अचानक दिख जाना। आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टार्टेड रीडिंग दैट पोएम। आपको भी सुनाऊंगी वो खूबसूरत सी कविता, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कुछ प्यारे से गाने। आपके लिए पेश है अगला गाना, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना, तेरी आंखों से कहीं कुछ तो मेरी नजर रोजाना रोजाना रोजाना। मैं सोचूं यही कहां आजकल मैं हूं लापता, तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खामखा। हवाओं की तरह मुझे छूके तू गुजर रोजाना रोजाना, तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना।
ये खूबसूरत सा गाना था फिल्म नाम शबाना से, जिसे आवाज दी थी श्रेया एंड रोचक ने। अब आपके लिए पेश है एक और खूबसूरत सा नगमा, जिसे गाया है जिमी खान ने। टुकड़े चार चार करके हुन दिया पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। हुन दिया पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अब अफसानों में भी नहीं रही। हुन दिया पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदिया पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। जिस दिन तुम पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदिया पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अब अफसानों में भी नहीं
राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो इन प्यारे से नगमों के बाद मैं आरजे आयशा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका ऑन रेडियो उड़ान। मुसाफिर हूँ यारो आप सुन रहे हैं और एक सफर पर हम चल रहे हैं। फाइनली वक्त है उस खूबसूरत सी कविता को सुनने का जो मैंने उस दिन पढ़ी थी। थोड़ी इंटेंस है लेकिन इसमें कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है और बिल्कुल सही बात भी है, इसलिए ये सुनाना चाहती हूँ। चलिए पल्लवी मिश्रा जी द्वारा लिखी गई इस कविता को सुनते हैं। नफरत की आग जलने लगी तेरे शहर में, ये बात आज खलने लगी तेरे शहर में। जो आशना थे कल मेरे सब गुम कहां हुए, हिजरत की चाह पलने लगी तेरे शहर में। मरने का मारने का ये क्या दौर आ गया, जीने की आस टलने लगी तेरे शहर में। नफरत की आग जलने लगी तेरे शहर में। मेरा यहां से ठोर टिकाना उजड़ गया, आंधी अजीब सी चलने लगी तेरे शहर में। हर दिल में कौन भरने लगा दुश्मनी, यहां शफकत भी याद मलने लगी तेरे शहर में। कुदरत खफा हुई न कहीं लाए जलजला, करवट जमी बदलने लगी तेरे शहर में। काली घटा की कैद में वो कब तलक रहे, अब चांदनी सी मचलने लगी तेरे शहर में। नफरत की आग जलने लगी तेरे शहर में। लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमुन बोका मुंटा रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमुन बोका मुंटा रे। करे किले सारे भेद जाए दीवारे, प्रेम कोई सेंध लागे। अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे। माटी कोए चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमुन बोका मुंटा रे। I'm not afraid.
न थे पर हम वफा कर ना सके. हमको मिली उसकी सजा हम जो पता कर ना सके. हम बेवफा हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे आयशा. स्वागत है आपका एक बार फिर से मुसाफिर हूँ यारो में. सो कैसा लगा आपको ये गाना, और खास करके कैसे लगी आपको वो कविता जो अभी अभी हमने सुनी थी.
ये तो नहीं कहूंगी कि इस कविता की हर एक लाइन अटल सत्य है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सबको ये एहसास होता है, ये महसूस होता है, काइंडनेस बहुत कम हो गई हमारे बीच में, या अगर हम कहें तो कनेक्शन की बहुत कमी हमें दिखने लगी है, या एक और बात कहूं, हमेशा नहीं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा फॉर्मल हो चुके हैं हमारी जिंदगी को लेकर, लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, और शो ऑफ बहुत ज्यादा है और ओरिजिनलिटी बहुत कम है, सही है ना? अच्छा अच्छा वेट वेट, इंस्टाग्राम चला रही हूँ मैं, साथ में स्क्रॉल कर रही हूँ और इस वक्त मेरे सामने दो लाइंस आई हैं प्रबुद्ध सौरभ द्वारा लिखी गई हैं। इस लाइन में लिखा है कि नया अब सिलसिला जोड़ा ना जाए, नया अब सिलसिला जोड़ा ना जाए, पुरानों को मगर तोड़ा ना जाए। कितनी सही बात है ना, इस शो ऑफ के चलते हम अपनी रूट्स या अपने कनेक्शन ही भूल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि किसी महंगे से रेस्टोरेंट की चमकदार टेबल पर बैठकर डीलिंग्स या मीटिंग्स तो की जा सकती है, लेकिन दोस्तों से गपशप नहीं यार, उसके लिए तो अपने शहर की वो पुरानी सी चाय की टपरी चाहिए जिस पर सबके बैठने की जगह हो या ना हो, लेकिन सबको देने के लिए अपनापन भरपूर होता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ऐसी टपरियां आजकल छोटे छोटे शहरों में या फिर गांवों में ही बची है, बड़े शहरों में तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, या फिर अगर दिख भी जाए तो वहां पर जाने से हमें लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं? लेकिन फिर क्या करें, क्या अपनापन, रिश्ते, दोस्ती, विश्वास और अपनी जड़ें भुला दी जाए? नया अब सिलसिला जोड़ा ना जाए, पुरानों को मगर तोड़ा ना जाए। आप भी सोचिए इन लाइंस के बारे में और सुनिए एक खूबसूरत सा गाना विपिन की आवाज में जज्बा फिल्म से। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है, ओ जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। खुशी का हिस्सा का हिस्सा, घूट का हिस्सा, दम का हिस्सा, जख्म और मरहम का हिस्सा, दिल फरोशी का ये किस्सा, जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है, जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा है, रात को मुल्ज़िम दिन में खुदा सा है, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। जाने हम पे कौन सी ऐसी तोहमत है, समझ न पाए अब है या ये आदत है, मलमल में लिपटे हैं फिर भी बिखरे हैं, बस ये जाम हमारा है हम इसके हैं, यूं तो मेरा दर्द ही एक दवा सा है, यूं तो मेरा दर्द
एक दवा सा है हर घड़ी जिंदा हर दिन नया सा है जाने तेरे शहर का क्या इरादा है Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udaan. For more info, log on to www.radioudaan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udaan. आगे आगे रास्ते नए नए मोड़ सारे ना तू कभी घबरा रे चले जा अकेले तू अपने ही दम पे तेरा हम सफर हौसला रे तुझे क्या फिकर जो सियाही भरी है जहां चरागों के आगे खुशामत करे क्यों भला तेरी शामें है तेरी दोनों आंखें रोशनी से भरी कहकशां तू मेरी कहकशां तू मेरी कहकशां कहकशां तू मेरी रोशनी कितना खूबसूरत है ये एहसास कितना खूबसूरत है ये रियलाइजेशन कि हम शहरी लोग कितना बदल चुके हैं मैं हूँ आरजे आयशा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से और मुसाफिर हूँ यारो मोर लाइक शहरों का मिजाज अब बदल गया है ऐसे ही कुछ दिन पहले एक बड़ी सुंदर सी नज्म पड़ी थी जिसे लिखा गया था जहरा निगाह जी के द्वारा उस कविता में बताया गया है कि शहरों में किस तरह के चेंजेस की जरूरत है किन इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है या फिर यूं कहें कि शहरों को गांवों से या जंगलों से क्या सीखने की जरूरत है ये बड़े बेहतर तरीके से सिखाया गया है इस नज्म के दौरान तो आपको सुनाती हूँ ये खूबसूरत सी नज्म इसके बाद सुनेंगे कुछ गाने और फिर करेंगे थोड़ी सी बातें इस नज्म का शीर्षक है सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है
सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बए के घोंसले का गंदुमी रंग लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसन मान लेती है। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता सब साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावंदा जलील ओ मौतबर, दाना ओ बेनामुन सिर्फ ओ अकबर। मेरे शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। कितनी खूबसूरत नज्म है। इस नज्म में बताया गया है कि जंगलों में कैसे सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ हम जितना ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, जितना ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, जितना ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, उतना ही हम एक दूसरे के दुश्मन बने चले जा रहे हैं, नहीं? सोचिए इस बारे में और सुनिए एक खूबसूरत सा गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और बने रहिएगा मेरे साथ, इसके बाद करेंगे हम थोड़ी सी और बातें। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते, मजारों से चुरा के लाऊं बरकते, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। देखूंगा तेरा रास्ता, हो कुछ तुझे तुझे।
तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, सोचो कि जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, दिल मचल जाएगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। होश खो जाएगा प्यार हो जाए, मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो ऑन रेडियो उड़ान। कहते हैं कि लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, शर्त बस इतनी है कि हम अपनी अज्ञानता को पहचाने और कुछ सीखते रहने की कोशिश करते रहें। अब देखो ना, हम कितने खुश हैं अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी भागदौड़ से, लेकिन क्या सिर्फ ये रेस, ये कॉम्पिटिशन यही सब कुछ है? क्या सिर्फ हम इस दुनिया में भागते रहने के लिए आए हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रुक जाएं कुछ पल के लिए, ठहर जाएं किसी मोड़ पर और इन रास्तों को निहार लें, हमारे साथी यात्रियों से मिले, बातचीत करें, रिश्ते निभाएं, बनाएं, हंसे खिलखिलाएं, जी भरकर जिंदगी का मजा लें और हमारे आसपास खुशियां बांटें। बका बलूच जी का एक शेर है कि जिंदगी से जिंदगी रूठी रही, आदमी से आदमी बरहम रहा। जिंदगी, इसका सफर, इसके उतार चढ़ाव बहुत खूबसूरत है। वैसे ही जैसे शहर भी खूबसूरत है, हमारे आसपास के लोग भी खूबसूरत है। बस शहरों से, लोगों से लगाव बनाना जरूरी है, उनसे रिश्ते बनाना और निभाना जरूरी है, और साथ में जरूरी है कुछ सुधारों की, थोड़े खुद में, थोड़े नजरिए में और थोड़े जीवन शैली में। जय कृष्ण चौधरी हबीब साहब का एक और शेर है कि बेताल्लुक जिंदगी भी जिंदगी होती है क्या।
बेताल्लुक जिंदगी भी जिंदगी होती है क्या, साज दिल खामोश हो तो नगमगी होती है क्या। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि अगर आप शहरों से हो मेरी तरह, तो अब अपने शहरों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ये भी याद रखेंगे कि शहर वैसा ही होगा जैसे वहां रह रहे लोग होंगे। तो शहर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। प्यार कीजिए खुद से, अपने शहर से और जिंदगी से, तो शहर भी सुहाना हो जाएगा। अभी वक्त है मेरे जाने का। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त पर ऑन रेडियो उड़ान। You can connect me on my Instagram also, which is rj_Aisha. पेश है आपके लिए मुसाफिर यारों के इस सफर का आखिरी गाना, Stay tuned to Radio Udaan. मैं आपसे फिर मिलूंगी क्योंकि मैं तो मुसाफिर हूँ यारों। बाय बाय। Yeah.
सा